दोस्तों, ये हमारा होगा एक ऑनलाइन टेस्ट। इसमें कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और उनके कार्य बताए गए, तो इसमें मैं आपको कुछ मिनी सेकंड दूंगा और उसके बाद उसका आंसर बताया जाएगा। तो आपको अपने मन में सोचना है कि उसका क्या आंसर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ऐसे ही। पहला, वायुमंडलीय दाब का मापक क्या कहलाता है? आई थिंक आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा बैरोमीटर, दाब का मापक। नेक्स्ट है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र, ये होगा हाइग्रोमीटर। सब्सक्राइब कीजिए एसएससी ज्ञान सागर चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप पा सके लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और साथ के साथ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से संबंधित सभी जानकारी। हवा की शक्ति तथा गति का मापक क्या कहलाता है? ये है एनीमोमीटर। बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हृदय और फेफड़ों की गति सुनने का मापक, जनरल लाइफ में भी आपके यूज होते हैं ये वर्ड, स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर काफी टाइम आपने देखे होंगे यूज करते हुए। नेक्स्ट है, हृदय गति की जांच करने वाला यंत्र, ये होगा कार्डियोग्राम, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा लिखा हुआ। नेक्स्ट है, रक्त दाब का मापक यानी कि ब्लड प्रेशर का मापक, आपने देखा होगा ये यंत्र, इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट, पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापक, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी के अंदर, एचएसएससी के अंदर काफी टाइम पूछा गया है, इसको कहते हैं ओडोमीटर। याद करने का भी कुछ तरीका बनाओ, जैसे पहिए होते हैं इनकी शेप क्या होती है, ओवल शेप होती है, गोल होते हैं, तो गोल क्या होता है, ओ ओ जो लेटर होता है वो भी गोल होता है, तो ऐसे करके याद करने का कोई भी तरीका बनाओ। वैसे तो नॉर्मली याद हो नहीं सकते, सभी साइंटिफिक नेम है जैसे कि ये, तो ओडोमीटर ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। वायुयान की गति मापने का यंत्र, तो वायुयान की गति किसे मापी जाती है, टैकोमीटर, इसको भी याद करो, जैसे कि ट्रैक, ट्रैक के ऊपर वायुयान चलता है, तो टैकोमीटर, कुछ भी तरीका बनाओ अपना याद करने का। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता का मापक, काफी बार आपने न्यूज में सुना होगा रिएक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता मापी गई है। नेक्स्ट, भूकंप मापी यंत्र, वो था तीव्रता का मापने का यंत्र, और ये है भूकंप मापी यंत्र, काफी कंफ्यूज करता है, दोनों ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन में, तो ये होता है सिस्मोग्राफ, तो भूकंप मापी यंत्र होगा सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, वर्षा का मापक, तो वर्षा का मापक क्या क्या होता है, ये होता है रेन गेज, बिल्कुल आसान है ये तो याद करना, वर्षा को क्या कहते हैं, रेन। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई का मापक, तो ये होगा फैदोमीटर, इसको भी ऐसे याद किया जा सकता है, मतलब अपना तरीका होना चाहिए कोई भी याद करने का। समुद्र की गहराई, तो गहराई किससे मापी जाती है, समुद्र की गहराई मापना बहुत ही मुश्किल होता है, तो अपना कोई तरीका बनाओ, जैसे मैंने एक तरीका बताया था क्लास में कि फैदोमीटर, यानी कि हर एक जो भी हम कोई भी समुद्र की गहराई मापते हैं, इतनी ज्यादा गहराई है कि हम उसको माप ही नहीं सकते, तो सभी जो मीटर है वो फद्दू घोषित हो जाते हैं, तो ऐसे करके कुछ भी तरीका बनाओ याद करने का, बच्चों को बहुत जल्दी याद हुआ था ऐसे। चलिए नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता का मापक, तो ये है लैक्टोमीटर, तो जो दूध है उसकी जो शुद्धता है या दूध से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको हम साइंटिफिक लैक्टो नाम से याद करते हैं, तो दूध से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो उसको लैक्टो से हम रेक्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट है, पौधों की जड़ों का मापक, तो ये होगा हमारा मैनोमीटर। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि का मापक, ये है क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट, विद्युत धारा की माप, किससे मापी जाती है विद्युत धारा, यह आपने बचपन में कई बार पढ़ा है, अमीटर। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप, तो ये होगी सेक्सटेंट। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, आपको जो ये लिंक दिखाई दे रहे हैं आप इनसे हमारी नेक्स्ट वीडियो भी क्विज की देख सकते हैं।